स्टूडेंट माई मिस कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारे पास ट्रिक ऑफ द डे में क्या है, दैट इज कल भी हमने इंटीग्रेशन की बात की थी, तो वहाँ पर हमने कल प्लस के साइन के साथ इंटीग्रेशन की थी और आज हमारे पास क्या माइनस का साइन आ जाए, फिर इसकी ट्रिक क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्यारी सी फेस पर प्यारी सी स्माइल लेकर आए और चलिए लर्न करते हैं। जहाँ पर डायरेक्ट इस ट्रिक को हमने लर्न करना है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये ट्रिक बनी कैसी है। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाइएगा, वहां पर देख लेना, उसको हमने फुल प्रूफ किया था और आज इसको भी हम वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द ट्रू लर्निंग। तो इसका आपके पास आंसर क्या आएगा, आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ट्रिक को क्रैम भी नहीं करेंगे और हमने इसको आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। मैं जहां पर जाकर रुक जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूं। 1/n आएगा, लॉग आ जाएगा और 1+c आ जाएगा। किस में क्या आंसर आएगा वो दिक्कत ना है, तो जहां पर यदि हम क्या करते हैं ट्रिक मैं डायरेक्ट लिख भी देता हूं, लेकिन फिर भी हमने जहां पर क्या है मैं इसको समझना है, इसका जो आंसर आएगा वो xn ओवर 1 माइनस x की पावर n चला जाएगा। यदि हम जहां पर आंसर करते हैं तो आपने डिफरेंस जहां पर पकड़ने की कोशिश करना है, इसका जो आंसर आएगा वो xn माइनस 1 ओवर xn आएगा हमारे पास। जो हमने कल की थी ट्रिक उसको भी ऐड कर लेते हैं, 1 ओवर x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। जहां पर आप प्लस 1 पहले करो या बाद में करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस केस में हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, 1 ओवर n सभी के साथ है और इसका आंसर आ रहा था xn ओवर xn प्लस 1 आ रहा था। तो हमारे पास 3 ऑलरेडी ट्रिक्स हो चुकी हैं, तो आप इन ट्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। होमवर्क काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया, होमवर्क आज भी मिलेगा। लेकिन जब आप इतनी ट्रिक करते हो तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होती आपकी कि हाउ टू लर्न दीज ट्रिक्स, कैसे याद रहेगा कि जहाँ पर 1 - x मतलब xn ऊपर आएगा, जहाँ फिर j नीचे आएगा, जहाँ पर j ऊपर चला गया, j नीचे चला गया, जहाँ पर j ऊपर है, जहाँ पर j नीचे है। तो जब हम आपको कहते हैं कि आपने विद इन सेकंड करना है, तो उसके साथ बहुत सारी हम कहते हैं ना, इसमें कोई वर्डन नहीं होता कि आप याद करो, लेकिन हाउ मेनी ट्रिक्स वन कैन मतलब लर्न, एक पर्सन कितनी ट्रिक लर्न कर सकता है जब वो मासूम सा पर्सन आप जैसा हो। तो जहाँ पर कुछ ना कुछ हमें और करना चाहिए, भले हमें टाइम 4 सेकंड से 40 सेकंड लग जाए, मीन 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर है, लेकिन हम उसे रॉन्ग ना करें, हम उसे लर्न ना करें, हम उसे क्रैम ना करें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें। तो जहाँ पर देखें ध्यान से थोड़ा सा अभी मैं इसको हाईलाइट कर समझते हैं। तो हमारा जो कोई भी क्वेश्चन है वो होता कैसे ही था, कल भी हमने इसका प्रूव किया था कि इसको जो करने की विधि है वो क्या है, एक्स एन माइनस वन है, मैं तीनों को साथ लेकर चलता हूँ, जहाँ एक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारा स्टेप होता कि हमने एक्स एन जो भी जहाँ पर भी आपको जो दिखाई देता इस क्वेश्चन में है, इसमें है, जहाँ फिर इसमें, हमने उसको कॉमन निकालना होता। तो जैसे ही आप एक्स एन को कॉमन निकालेंगे तो आपके अंदर क्या बन जाएगा, 1 - 1/(x)n(dx) बन जाएगा। मीनिंग हमारा कुछ आंसर है वो ऐसा आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू 1 - xn(dx). तो दिस इज अवर आंसर इन फर्स्ट केस। तो ये हमारे पास किस केस में आंसर आ रहा है, ये हमारे पास इस केस में आंसर आ रहा है। ठीक है, जहां पर हो गया इसका, इसका भी मैं बनाकर दिखाता हूं, तीनों को हमने कंपेयर करना है। इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 कॉमन लेने के बाद और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/xn - 1 (dx) आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से हर एक स्टेप को, इसका ये आंसर है, इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, दिस इज ऑफ दिस, इसके पास आंसर जो बन रहा है हमें मैथ्स को समझना है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हम बहुत कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट अप्रोच हमारी होती थी वो क्या होती थी कि हमने इसका डेरिवेटिव कर देना है, डेरिवेटिव जब हम इसको टी पुट करेंगे, लाइक इसको हम क्या पुट करने वाले हैं, पुट दिस नंबर 1 - 1/xn = t, फिर हम इसका डेरिवेटिव करते थे। अब ध्यान से देखना, इसका तो 0 आ जाएगा माइनस पहले से, अब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपकी जो पावर है ऊपर चली जाएगी, माइनस एन आगे आ जाएगा, एक कम होगी, माइनस एन माइनस वन वो नीचे आकर एन प्लस वन बन जाएगी, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, माइनस एन ओवर हमारे पास x की पावर n प्लस 1 इंटू dx = dt। तो जहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज n इंटू एक्स एन प्लस 1 इंटू dx = dt, एंड जहाँ से हमारे पास 1/xn + 1 (dx) = 1/n(dt). तो जहाँ तक हमने ये आंसर देख लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस केस में यदि हम पुट करते तो हमारे पास बाहर क्या आता है, प्लस का साइन आता है। इसका मीनिंग हमारे पास क्या, यदि हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पर इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा, सब्सटीट्यूशन करने के बाद 1/n आउटसाइड आ गया, अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1/j तो चला गया, नीचे बच जाएगा 1/ सिंपली हमारे पास t बच जाएगी (dt). तो दिस इज व्हाट, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग ऑफ t होती है, प्लस ये आप लिख लो। ठीक है,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। एक को कंप्लीट करने पर सभी के सभी जाना नहीं चल जाना, तो आपको डाउट रह जाएगा यदि आप चले गए छोड़कर, ठीक है। हम सभी क्लियर करने वाले हैं पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/n है। लॉ के अंदर आप टी की वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू थी, 1 - 1/xn था प्लस सी, तो ये 1/n आ गया लॉ, यहाँ पर xn - 1/xn आपके पास बन गया। तो अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कहाँ पर था, एक बार इस स्क्रीन को मैं चेक कर लूँ, क्या विजिबल है एवरीथिंग, यस इट इज ओके। ओके, अब आपने डिफरेंस देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। इस केस में आंसर आ रहा थी हमारे पास, जैसे लाइक पहले का आंसर आया था xn/1 - xn, इसका भी आंसर कुछ थर्ड का भी ऐसे आया था, लेकिन सेकंड का आंसर हमारे पास ऐसा आ रहा है। अब डिफरेंस कहाँ पर है, देखो 1/n तो तीनों के साथ आएगा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने जजमेंट कैसे करना कि कौन सा नंबर ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ठीक है। वो जजमेंट कहाँ से होगी, आपने उस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, आपने उस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, किस नंबर को, आपने xn को करना है। आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि जब इसमें से जब आप xn कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये माइंड में सोचना है। जैसे मैंने xn कॉमन निकाला, जहां पर बच रहा है 1 माइनस, तो मीनिंग आपके पास इस नंबर के आगे माइनस आ रहा है। जब आपके पास 1/xn के आगे माइनस आएगा तो डेरिवेटिव करने के बाद वो पॉजिटिव रह जाएगा। जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे वो आंसर, तो आपका माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया। इस केस में आपके पास क्या, जब हमने लॉग पुट किया तो आपका टी रहा था, तो 1 - xn, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका ऊपर ही रहेगा। सिंपल सा फंडा हो गया, जहाँ पर माइनस था उसी के कारण हमने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया। कल हमने इस क्वेश्चन में किया था, जहाँ पर इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे लाइक 1 को पुट करेंगे टी इसको नंबर को, तो आपके पास बाहर माइनस का साइन शो होगा। वैसे तो ये सारी की सारी गाड़ी ऐसे ही चलेगी, जैसे आपका आंसर 1/t ऐसे आ जाएगा, जहाँ पर 1 प्लस, मैं अभी इसको भी करवा देता हूँ, इसका जो डेरिवेटिव आप करेंगे ना, तो जहाँ पर लाइक प्लस है तो जहाँ पर आपके पास आप पहले प्लस है तो माइनस रह जाएगा, जहाँ पर माइनस हो जाएगा तो आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है हमारे पास, जहाँ पर प्लस था बाहर माइनस है, तो ये ऐसा बन गया, इसका आंसर ऐसा आ गया। लेकिन बाहर माइनस है तो इसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर, कल भी किया था, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, लॉग ऑफ जहाँ पर xn ओवर ये चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक, कब जो ऊपर आएगा कब जो नीचे आएगा, तो हमने क्या सिंपल इमेजिन करना कि xn कॉमन निकालने पर, xn कॉमन निकालने पर जो नंबर 1/xn बच रहा है, यदि उसके आगे प्लस का साइन है, यदि उसके आगे प्लस का साइन है तो आपका जहां पर क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर ऐसा ही आएगा xn/xn+1। यदि कॉमन लेने के बाद उसके आगे माइनस आएगी, फिर आपका आंसर ऐसा आएगा, कैसा था हमने किया था अभी, कि xn हमारे पास जो है नंबर -1 ऊपर और नीचे हमारी सिंपल एक्स है ना, तो फर्स्ट केस में भी आपके पास जब आप जहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास इसके आगे क्या प्लस का साइन आ रहा है, यदि प्लस का साइन है तो डेरिवेटिव करने पर माइनस आएगा, तो उसकी जब सेटिंग करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ अ सिंपल ट्रिक। तो मैंने जहाँ पर आपको लर्न समझाने की कोशिश की है कैसे ट्रिक बनती है, कैसे काम करती है, हम आँख बंद कर भी इनके पर यकीन नहीं कर सकते, हमें टेस्टिंग करनी होती, तो टेस्टिंग के बाद कुछ सेल्फ कंक्लूजन क्या होती वो हम जहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर तो आप करेंगे, कमेंट मुझे वहां पर आपका चाहिए, ठीक है। अभी आपके लिए होमवर्क है, तो आपने बड़े ध्यान से इन होमवर्क का आंसर देना, 3 की 3 ट्रिक मैंने पहले लिख दी थी वो आप नोट कर लें, ठीक है। तो आज आपके लिए 3 एग्जांपल्स हैं होमवर्क के लिए, वो आपने करनी 1/x * this, जहां पर x4 है, जहां पर x5 है। तो कुछ भी कन्फ्यूज, किसी बच्चों को लगा कि मैंने वहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया था, बीच में मिक्स कर दिया, लेकिन आप ध्यान से देखें तो मैंने हर एक स्टेप बताने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचा कि यहाँ से जहाँ तक पहुँचेंगे फिर ऐसा कर सकते थे। तो मैंने वो आपको, यदि कोई भी डाउट है तो आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि इनकी ट्रिक की है तो वो हमने सबसे पहले ट्रिक ही लिखी थी, लेकिन वो बनी कैसे थी वो हमने बाद में डिस्कस कर लिया था। वीडियो अच्छी लगी तो जहाँ पर लाइक करना आपके जो भी है फ़ोन की स्क्रीन पर, और प्लीज़ मेक नोट्स, इसके नोट्स बनाते चलिए, पता नहीं कब आप कौन सा एग्जाम भरेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तब आप मुझे याद कर सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, प्यारी सी स्माइल करें और बाय बाय। मैं वेट करूंगा आपके रिस्पांस का वहां पर, ठीक है, नीचे कमेंट, तो हर एक कमेंट को लाइक और मैं वहां पर रीड करके उसका रिप्लाई भी करूंगा। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर स्माइल।